परिवार उसकी बहू उसकी बेटी वो जो कुछ भी करे तो बच्चा तो हमारा है, ये भी नहीं तो बच्चे के लिए क्यों भाग रही हो? जो मैं यहाँ पे बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्या जो आप उसके पीछे भागती रहती हो? देख लड़मा तो ये इल्जाम लगता रहेगा तो भाई समझाया जाएगा नहीं समझाया जाएगा? तुमने शादी करी थी, तुमने बच्चा पैदा कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वहाँ शिफ्ट कर दिया, तुमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। हाँ मम्मी बुलाया आपने? हाँ कुछ बात करनी थी, जरा बैठ बैठ तो सही। अरे क्या हो गया, मैं यही पूछ रही थी कि मेरी गुनगुन के पापा से बात हुई थी। तो बात करने का मतलब क्या है? रात हो रही है वो ध्रुव के साथ। बात तो सुन ले, बात क्या हुई थी, उसकी सास कलेश कर रही है और बहुत ज़्यादा कलेश हो रही है, वो कह रही है बच्चा गिरा दे। तो वो उनके फैमिली मैटर है, अब उसमें हम क्या बोल सकते हैं? फैमिली मैटर नहीं है, देख मैं ये मैं तेरे को पता है मैं बच्चे के लिए भाग रही हूँ, मैं उसके लिए भी नहीं तो भाग रही। तो बच्चे के लिए भाग रही हूँ? मैं यहाँ पे बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्या जो आप उसके पीछे भागती रहती हो? देख लड़मत मैं आराम से बात कर रही हूँ तेरे से, मेरे से चिल्ला के आप ऐसी बातें ही करती हो आप? मैं इसलिए कह रही हूँ मेरे को वहाँ जाना है कि कोई भी दिक्कत नहीं, मुझे बच्चा चाहिए। साफ सीधी बात है, देख मैं तो जाऊंगी, मैं इसीलिए देर से पूछ रही हूँ, मैं राजी राजी पूछ रही हूँ। पता है कि मैं इस बात में ना ही बोलूंगी तो ना ही रहेगी मेरी। जब मैंने आपको मना कर दिया है 10 बारी तो आप एक ही टॉपिक को क्यों बार बार छेड़ती रहती हो? तो मैं अब वो मैं इसीलिए समर को मना कर रही थी, मैंने उसने कहा नहीं पूछ लो, फिर भी मैंने कहा वो मना ही करेगी तो मैं मना वो नहीं माना, तो मैं मेरे को उसके पास जाना है मेरे को चल मैं ठीक है मैं नहीं वहाँ, मेरे को उसकी सास को समझा के आना, मुझे मिलना है उसकी सास से, मेरे को जाना है। समझा लो बुला के, जाने वाली बात क्या? तो यहाँ क्यों क्यों मैं उधर समझाऊं? फोन पे वो औरत फोन पे नहीं सकती, तुमने भी समझाया है ना, तेरी मम्मी ने भी समझाया, सब बहू उसकी बेटी वो जो कुछ भी करे तो बच्चा तो हमारा है, क्या लेना देना है? बच्चा तो हमारा, आपका बेटा कह रहा है मेरा बच्चा है, आपका बच्चा तो बेटा क्यों नहीं रहता आपका? सच वो अपना नहीं रही तो बच्चा तो फिर हमारा ही है ना। किसका? कौन नहीं अपना समर का? कौन नहीं अपना रहा? उसके साथ रूप नहीं है, फिर जब वो गिरवाने की कह रही है तो कुछ भी कांड हो जाए उसके साथ में, तो गिरवा दिया उसने तो वो ध्रुव के 24 घंटे उसके साथ रहेगा, मेरे को ये बता दे। वो उसका काम नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा क्या? आपको नहीं पता कुछ तो मत बोला करो आप भाई, मुझे तो जाना है। 3 दिन आई थी यहाँ पे रह के चली गई, जब आपको पता नहीं चला था, जब वो ध्रुव से लिखवा के लेके गई है कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, तो आपको समझ भी नहीं आती एक चीज, आप बार बार रट्टा लगाती रहती हो कि मुझे उसके घर तो जाना उसके है, पापा बोल रहे हैं ना बच्चे को देखना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, तो उसके पापा बोल रहे हैं या तो पापा और वो बैठ के हम तीनों लोग बात करेंगे फिर ढंग से ले जाए, तो उसके उनके घर पे ही तो है, वो घर भी तो दिलवा दिया, घर पे कोई कमी थोड़ी है। क्या तो मेरे को जाना, मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं पहले ही बोल रही हूँ, जिद मत किया करो। नहीं देख मैं तो जाऊंगी, कोई कहीं नहीं जाने, मैं तो जाऊंगी। अगर आप जाओगी तो वहीं रह जाना फिर। हाँ ठीक है, मुझे मत बोल देना कि मुझे घर से निकाल रही है, मुझे कुछ कर नहीं, घर से निकालने का तेरा मतलब नहीं, मैं वहीं रह जाऊंगी, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, काम करो उसके समर जाने, जिंदगी भर बैठ के वही करो, उसके बच्चे पैदा करो और उसके बच्चों की सेवा करो, बस वही करते रहो आप। तो करूंगी और क्या करूँ, आप ये मत कह, मैंने तेरे को पहले ही बोला है, पहले ही बोला है छोड़ने तो जाएगा मेरे को, क्यों जाएगा छोड़ने, छोड़ने तो जाएगा सारा, ठीक है तेरा पति है, मेरा भी बेटा है, इतना हक नहीं दे दिया है कि तू बिल्कुल उस पर चढ़ेगी। तो आपका बेटा है तो उसका मतलब थोड़ी ना कि आप दूसरी औरत के पास भेजती रहोगी, क्या भेजनी मैं दूसरी, तू चल जब नहीं, जब आती है जाती है जब तुम रोक लेते हो, बच्चे का कोई अता पता नहीं, जब आती है जब तो तुमसे रुकती ही है, रुकती नहीं है वो, बेटा कहता है मेरा बच्चा ही नहीं है, आप अलग बोलती रहती हो, ये सब तुम्हारे हैं, अब जब तुम कुछ भी कहलवा लो दबाव में आके कि मेरा नहीं है, पहले तो रिपोर्ट है, बच्चा है क्या? तो पहले तो रिपोर्ट है वही पॉजिटिव थी ना, बच्चा है कि तो क्या था, तो वही आपको नहीं पता, 1 का 60 1 का 50 था, आपको नहीं पता है, आपको 10 बारी बताती रहूं क्या मैं? तो वही तो, जब तो तुम कह रहे कि नहीं पॉजिटिव निका है, निका है, निका कह रहे नहीं है, तो आपकी दबाव बना रही हो, दबाव आप लोग बना रहे हो, फिर किसका बच्चा है बताना, किसका बच्चा, उससे जाके पूछो ना जो पैदा कर रही है, उससे क्या, वही तो उसने तो बोला समर का है, समर का है, तो उसको उसको कहने से कुछ भी हो जाएगा, उससे जब स्टार्टिंग में इसके कहने से नहीं होगा, उसके कहने से ऊपर आसमान से आ गया क्या, टपक गया क्या, किसका नहीं है जो पैदा, मैं देखती हूँ ठीक है, मैं बात करती हूँ समर से, और क्या है फिर देख लेती हूँ मैं, मत बोल ठीक है, मैं समर से बात करती हूँ फिर, जो भी बात है बात क्या करोगी, कोई जाने ही नहीं किसी को, देखती हूँ मैं, बस बात खत्म, कोई जाएगा तो वो वहीं रह जाएगा, बात सीधा। हाँ तो ठीक है, मैं समर से बात कर लेती हूँ, जाना है नहीं जाना मुझे, जो भी बात है मैं क्लियर, या तो फोन पे बात करूँ या जाके बात करूँ, जो बात है मैं समर से बात करूँगी, आपको फोन पे बात कर लो, जब उसके साथ कोई समझाना है तो जाने ही, तुम्हारे समझाने से वो समझ गई थी, ये बताओ तुम्हारे से भी बात हुई थी ना, बात ही नहीं की उससे उसके बाद। हाँ क्या हो गया, बात हो गई आपकी? अब वही बात हो रही है ना, मैं कह रही ना कि मना करेगी वो लड़ने को, हो रही है ये पहले आराम से शांति से पहले बात समझो, जब तुम दोनों को पता है कि वो बात मुझे पसंद नहीं है तो ये बार बार रट्टा क्यों लगाती रहती है? तो भाई इनकी लाइफ है, या इनकी लाइफ है, तुम्हारी है, वो कह रही मेरे बेटे का बच्चा है, तो मतलब क्या है? ये मिलने जाना चाहते तो मिलने जाने, मिलने तो मैं समझाने के लिए और क्या कह रही हूँ, मैं मिलने जाने नहीं कह रही है, तो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है वो यही बोल रही है, उसका बच्चा है, मेरे बेटे का बच्चा, सुन तो यही बोला है ना, मतलब
तो मैंने यही बोला ना, वो गिरवाएगी तो मैं समझाऊंगी कि नहीं समझाऊंगी, उसकी सास को समझा सकती हूँ, नहीं समझा सकती। मुद्दा ये है कि बच्चा किसी का भी उसके साथ गलत तो हो रहा है ना, गलत हो रहा, तो ध्रुव नहीं देख रहा वहाँ पे, नहीं देख रहा है ना, उसके बस की नहीं है ना। तुम्हारे पीछे में वो क्या कहते हैं, उनके पापा यहाँ पे आए थे, वो इनको सुना के जा रहे हैं, ये वो मुझे सुना रहे हैं कि ये वो, तुम मुझे सुना लो, वो मुझे सुना ले, वो सारे मुझे ही सुना लो, फिर जिसकी गलती है वो मानने को तैयार नहीं है, कसर भी नहीं छोड़ रहे, फिर वहाँ जाकर के ये बात करेंगे जाकर के, या तो ध्रुव की माँ को वहाँ से निकालेंगे घर, मुझे नहीं पता, तुम दोनों देख लो जिसको जो करना है, मुझे नहीं पता, बात तो सुन लो, भाग कहाँ रही हो, मुझे नहीं पता, तुम लोग बात भी टेढ़ कर, तो बात अब ये सुनना और समझना भी नहीं चाहती है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम है तो तुम भी साथ चल लो, मैं क्यों जाऊँ, ले मैं क्यों जाऊँ, वो कुछ भी नहीं चाहती है ना, मैं मम्मी को लेके जाता हूँ, तुम क्यों जाओगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, जिसको बुलानी है बुला के बात कर लो, कोई कहीं नहीं जाएगा, बस ये यहाँ बात नहीं होगी, सारी बात वहीं बैठ के होगी, मैं वहीं बैठ के बात करूंगी, बस यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ही होता है जब होता है, बस आप यही कहोगी, मैं नहीं कह रही, मैं लाने की तो मैं कह ही नहीं रही, ये वहाँ से यहाँ क्यों लाएंगी, मैं समझाने की बात कर रही हूँ, मैं लाने की बात ही नहीं कर रही हूँ किसी भी तरह से, फोन पे भी जा सकते हैं किसी को, फोन पे अगर समझ आ जाए ना, फोन पे हो जाती है सारी बात, फोन पे हो जाती है, तो तुम्हारी मम्मी से तुम बात फोन पे क्यों नहीं समझाती हो, यहाँ क्यों बिठा लेती हो, मिनट मिनट में बुला कर, नहीं आती तो मैं बुलाती नहीं, मैं फोन करके, अब तू बार बार मेरे दिल में ये जगाती है, वो मेरी है, वो मेरी है, ठीक है, तो आप ही बार बार बोलती रहती, डांटना करती रहती, तो मैं क्या करूँ, बिना गुनगुन के भी तो तुम्हारी मम्मी भी आके रहती है, जब मैंने तो शौक नहीं लग रहा था यहाँ पे रहने का, मैं अपने खुद की मम्मी फोन पे नहीं समझा सकती, वो मिनट में यहाँ कूद पड़ती है, और मैं बोलती हूँ तो बस यहीं पे सिचुएशन रहती है, क्योंकि आप दोनों ही माँ बेटों ने पैदा की है, तो तुम कमती पड़ती हो, मम्मी भी क्या कर दिया, नहीं हम दोनों ने क्या सिचुएशन पैदा कर दिया, गुनगुन के साथ जो हो रहा है जो भी, और हम जिम्मेदार, वैसे देखा जाए तो शादी भी तो तुम्हारी मम्मी ने ही करवाया था, हमने तो नहीं करवाया था, गुनगुन की शादी किसने, रिश्ता किसने दिया, सब कुछ किसने दिया, तुम्हारी गुनगुन भी मरे जा रही थी करने को, तो ऐसा मेरी मम्मी तो दबाव नहीं बना रही थी, हाँ अब तुम्हारे, तुम लोग बिल्कुल सही हो, तुम्हारे यहाँ के सारे सही है, हम ही गलत है, गुनगुन के पापा आकर के वही तो बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों, तो जिंदगी भर तो ये इल्जाम लगता रहेगा, तो भाई समझाया जाएगा, नहीं समझाया जाएगा, तुमने शादी करी थी, तुमने बच्चा पैदा कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वहाँ शिफ्ट कर दिया, तुमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो समझाया भी जाता, बात को ना खत्म कराया था, हर बात लड़ाई के मूड से नहीं होती है, तुम लड़ने बैठ जाती हो, जो नहीं हो उसको क्या समझाओगी, खाली डब्बा हो तो क्या, किसी के पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास सारा दिमाग है, सारा दिमाग है, हाँ दिख रहा है तुम्हारे पास कितना दिमाग है, ना छोटे ना बड़े की किसी की लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई इज्जत नहीं, बस बोलना है, आपने कर ली है जितनी करनी थी, हाँ हमने तो कर ली, ठीक है रहने दो, नहीं जा रहे, नहीं आप जाओ, नहीं जा रहे कहीं, यहीं रहो, हटो, क्या क्लेश है यार, क्यों मम्मी जाना चाहते, दोनों माँ बेटे एक ही चीज पे क्यों लटे रटे रहते हो, हम देखो या तो तुम डायरेक्टली बोल दो उसे यहाँ रखना है, मैं अपनी मम्मी घर चली जाती हूँ, जब तुम्हें काम, दोनों को इतनी आग लग रही है, तो मैं ऐसा बोला, ऐसा बोला, मैं ऐसा बोला हूँ कि गुनगुन को यहाँ रखूंगा, बेटा जाएगा पीछे पीछे जाके मिलता रहेगा, तो दिक्कत नहीं है, मैं कब मिल लिया, मैं कब मिल लिया, मैं कब मिल लिया, सबको पता है कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, तुम्हें बस लड़ने का मौका चाहिए होता है, बस बस हमेशा लड़ने तुम लोगों को बस यही चाहते हो कि बस बंदा ना किस चीज से इरिटेट हो जाए, भाई मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसे चाहता हूँ, नहीं बुला के पूछना जुलूम हो गया तुमसे, कोई बात कोई पूछ नहीं सकता, तो पूछ क्यों रहे हो, जब वो बात मुझे पसंद ही नहीं है तो कही क्यों रहे हो, बात मत करो, ठीक है नहीं गई मम्मी भी नहीं गई, मम्मी नहीं गई, मम्मी नहीं गई, वो तो मैं रहूंगी नहीं, तुम लोग पीछे से निकल जाओगे, बात खत्म हो जाएगी, बात में पता चलेगा बंदा कुछ तो कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारी सोच है, जो सोचना है सोच लो, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, अगर कोई बंदा गया तो मैं अपनी मम्मी, अरे भाई नहीं जा रहे हैं ना, मुझे नहीं पता, जिसको जो करना है वो कर लो, अगर कोई गया तो मैं अपनी मम्मी घर चले जाऊंगी, साफ सीधी बात, भाई जब नहीं जा रहा बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने साफ बोल दिया है, तो कोई जा रहा है यहाँ से, दिख रहा है तुम्हें यहाँ से कोई जा रहा है, जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत, तुमसे पूछना ही जुलूम हो जाता है, कौन जा रहा है, नहीं अभी कौन जा रहा है, अभी जाने से पहले तुमसे पूछा गया ना यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि मम्मी भाग के चली गई या मैं भाग के चला गया, सब यहाँ पे रह रहे हैं, नॉर्मल रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ड्रामा करना है, तुम लोग करवाती हो, मैं करने नहीं आती ड्रामा, हम लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं हम लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं, तो पूछते क्यों है ऐसी बात, पूछते क्यों, पूछना भी, तुम्हारी मम्मी तेरी बच्चा है, किसका बच्चा है वो जरा बता दो, किसका बच्चा है, किसका है मुझे, किसका बच्चा है, मुझे इतना ही बता दो किसका बच्चा, तुम्हारी माँ का ये बच्चा है, बच्चा बच्चा क्या है, बच्चा उसका बच्चा है, ध्रुव का बच्चा है, गुनगुन का बच्चा है, वो जाने, तुम्हारा बच्चा है इसलिए उसके पीछे लगी हुई है, बोलने से क्या हो जाएगा, बोलने दो, तुम अपना आराम से रहो घर में, जब नहीं है कुछ रिलेशन तो क्यों मरती रहती बार बार जाने को, घर बैठे अपना क्या नहीं मिल रहा, क्या कमी रह रही है यहाँ पे,